वेलकम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशा मदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में मोती पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर हाजिर हुई, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि आज की रेसिपी के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हाफ के जी मतलब 500 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आप कीमा भी ले सकते हैं। मैं चिकन के मोती पुलाव बना रही हूं, आप बीफ मटन दोनों का बना सकते हैं। इसके साथ हमने एक प्याली जो है वो दही लिया, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। मेरे पास नॉर्मल साइज के प्याज थे इसलिए मैंने इतने ज्यादा कट किए हैं। मैं 3 अदर जो है वो चिकन में डालकर चॉप करूंगी, और बाकी के जो प्याज है वो हम गार्निश के लिए रखेंगे और साथ में चावल में ऐड कर लेंगे। इसके साथ हमने 1 टेबलस्पून हमने साबुत गरम मसाले का लिया है, 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच के करीब हमने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है, नमक आधा चम्मच आप हसबे जायका इस्तेमाल करें, हल्दी हमने 1/4 टेबलस्पून ली है, 2 खाने के चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली है जिनको हमने फाइन चॉप कर लिया है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन चॉपर में डालकर कीमा बनाएंगे और साथ में ही हम प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने चॉपर ले लिया है। अब चॉपर के अंदर हम क्या करेंगे, चिकन अपना शामिल करते हैं। साथ में हम इसके प्याज शामिल कर देंगे, सेंटर से जस्ट मैंने 2 की और इसमें ऐड कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे ही हमारा कीमा चॉप हो जाएगा हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। कीमा हमारा रेडी हो चुका था, अब मैंने एक प्लेट ले लिया, उसके अंदर हमने कीमे के छोटे छोटे मोती बनाने, और पास मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, इसको आपने यूं हाथों पर लेकर थोड़ा सा लगा लेना। अब आपने क्या करना है, छोटी छोटी जो हैं वो इसकी गोलियां बना लेनी है। इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे कोफ्ते या गोलियां जो हैं वो बना लेनी है। अब इसी तरह मैं सारी गोलियां तैयार कर लूंगी और तैयार करने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो मोती हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हमने छोटे छोटे इसके कोफ्ते बना लिए हैं। ये नियर टू मेरे पास 70 के करीब हमारे पास गोलियां हैं जो हमने तैयार कर ली हैं। अब हम इसको चावलों में डालकर पकाते हैं, तो चलिए जल्दी से अब इनको हम पकाते हैं, क्योंकि हमारी आज की जो मेन इन्ग्रीडियंट थी वो मोती थे जो कि हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इनको पुलाव में डालकर पकाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मोतियों को डालकर इसका सालन बना लेंगे कोरमे टाइप, फिर उसमें हम राइस ऐड करेंगे। चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में क्या है, हमने चिकन की यखनी निकालनी है चावलों के लिए। तो इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि हमने 1.5 ग्लास जो है वो चावल लेकर साफ करके मैंने इसको भिगो दिया है। ये मेरे पास पुराने चावल है, कम से कम 10 से 15 मिनट ये पहले हम भिगोते हैं। उसके बाद मैंने 300 ग्राम जो है वो चिकन विद बोन्स, मैंने हड्डियों वाला गोश्त जो है वो ले लिया ताकि इसकी हम यखनी निकाल सकें। इसके साथ हमने 2 दरमियानी साइज के प्याज ले लिए थे, उनको हमने चॉप कर लिया। इसके साथ जो बाकी बचे हुए प्याज थे हमारे, मैंने वो लेकर इसको चॉप कर लिया। आधे प्याज हम गार्निश के लिए रखेंगे और बाकी के प्याज जो हैं वो हम चावलों में ऐड करेंगे। इसके साथ हमने गरम मसाला लिया है साबुत 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च आधा खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच आपने हसबे जरूरत इस्तेमाल करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ये मेरे पास सुर्ख रंग की मिर्चें थी 2 अदद मैंने, और ये लंबी वाली थी इनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, और लास्ट पे हमने ये साबुत जो है वो सूखा धनिया लिया है। ये मैं पहले बताना भूल गई थी, अब मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है, साबुत सूखा धनिया हमने 1 खाने का चम्मच लिया है। सबसे पहले हम चिकन स्टॉक बनाएंगे यानी कि चिकन यखनी तैयार करेंगे पुलाव के लिए, तो जल्दी से अब हम इसकी यखनी रेडी करते हैं। यखनी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चिकन लेंगे, 1 प्याज डालेंगे, साथ में सूखा धनिया, 1 अदद लहसुन का जब्बा, थोड़ा सा नमक बस, और साथ में हम 1 ग्लास के करीब जो है इसके अंदर पानी डाल देंगे।
अब मैं इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दूंगी। अब हम यखनी बनाने के लिए इसको चूल्हे पर रख देते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो यखनी थी चूल्हे पर पकने के लिए रख दी है, और जैसे ये तैयार होगी तो हम अपना स्टेप 3 यानी कि चावल बनाने का काम स्टार्ट कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो यखनी थी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको हम करते हैं साइड पर, और साथ में ही हम जो प्याज है अपने वो ब्राउन करेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, एक मैंने पैन ले लिया है, और उस पैन के अंदर मैं अब थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, हाफ कप से थोड़ा सा कम। ये मैंने हाफ कप के करीब जो है वो ऑयल ले लिया। अब इसके अंदर हम अपने प्याज डालकर फ्राई करेंगे। इसको हमने गोल्डन कलर देने तक फ्राई करना है। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो प्याज हैं वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। बस हम इसको हल्का सा मजीद ऑयल कलर देंगे, और फिर मैं इनको निकालूंगी, एक प्लेट के अंदर सेपरेट कर दूंगी। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सारा प्याज जो है वो इसमें निकाल लिया प्लेट के अंदर। अब उसी पैन के अंदर हम क्या करेंगे, उसी घी के अंदर ये वाली गोलियां जो हैं वो थोड़ी थोड़ी डालकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई करने का ये बेनिफिट होगा कि ये खुलेंगे नहीं। अब डायरेक्ट भी इसको चावलों में शामिल कर सकते हैं, जैसे हम आम बोटी वाले चावल बनाते हैं। अब इसी तरह मैं सारे डालकर जो है फ्राई कर लूंगी, और फ्राई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, आपने इसको अच्छे से फ्राई करते जाना है, हल्का हल्का सा। ये गोलियां जो हैं आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नीचे चिपके ना, और ये बहुत अच्छे से जो है ये घूम रही हैं। अब बस हम इसको हल्का हल्का कलर देते जाएंगे, और मैं इस तरह से करके निकाल दी जाऊँगी, और निकाल कर प्लेट में रख लूँगी। बस हमने इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करना। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इस तरह इसका गोल्डन कलर करके हम इसको साथ साथ निकालते जाएंगे। ये मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर, और लास्ट वाले जो हैं अब वो हम इसके अंदर डालेंगे। अब जो बाकी लास्ट पे बच गए हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हमारे जो सारे कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं सारे कोफ्ते दोबारा से इसी के अंदर ऐड कर दूंगी, और साथ में जो हमने ये ब्राउन की हुई प्याज थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, ये मैंने गार्निश के लिए रखी है। साथ में ही हम इसके अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, साथ में ही थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले सूखी मिर्च, नमक, गरम मसाला, और साथ में हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से हमने भूनना है। अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो इसमें से ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम दही शामिल कर देंगे। अब ये दही के अंदर ही पकेंगे, दही के पानी में ही ये अपने आप को पकाएंगे। अब हम इसको कवर करके मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही पानी इसमें खुश्क होगा हम यखनी डालकर चावल पकाएंगे। चले व्यूअर्स, आप ढक्कन उठा कर देखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, पानी जो है वो ऑलमोस्ट दही का खुश्क हो चुका है, बस हल्का हल्का इसमें रहता है। अब साथ साथ हम इसको क्या करेंगे, भूनते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, जो हमारे मोती थे या जो छोटे छोटे कोफ्ते थे ये बिल्कुल भी नहीं खुले, ये अपनी जगह बरकरार हैं, इसीलिए हमने इसको फ्राई किया था पहले। अब बस पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब पानी जो है इसका अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, जो हमने यखनी निकाली है, ये देखें मैंने गोश्त इसमें से सारा निकाले, जस्ट हमने यखनी ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 से 2 बॉयल आने पर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। पानी पकने लग गया, अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चावल हमने डाल दिए, अब इसके अंदर अच्छे से बस पानी हमने इतना डालना है जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूंगी। अब हम इसको ढाम कर रख देते हैं, जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो हम इसको दम पर लगा देंगे। आंच को मैंने फुल तेज कर दिया। बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखें व्यूअर्स, पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसको दम पर लगाऊंगी। ये अब हमने इसको दम पर लगा दिया है 7 मिनट के लिए। तो जैसे ही इसका दम पूरा हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, चावलों को दम आ चुका है, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया और उसके ऊपर ये छोटे छोटे मोती, लाजवाब इसकी लुक है और लाजवाब इसका जायका है। तो चलिए जल्दी से इसको गरम गरम सर्व करते हैं और गरम गरम ही खाकर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के बने हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो मोती पुलाव पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में और जायके में इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा टेस्टी होंगे। अब मैं क्या करूंगी, जो पहले से हमने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी वो मैं इसके ऊपर डालकर इसको गार्निश करूंगी। इसके साथ ही आज की हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, गाँव में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।